तो आप सभी का स्वागत है आज के इस मासिक कार्यक्रम में। और ये आज का दिन जो है कार्तिक महीने में पड़ा है। कार्तिक की ग्लोरीज तो आप जानते ही होंगे, जानते हैं? नहीं? तो कार्तिक का महीना जो है बहुत पावन महीना है। बताया जाता है जो 12 महीने हैं उन 12 महीनों में सबसे ज्यादा प्रमुख 4 महीने हैं, जिसे चतुर्मास के नाम से हम जानते हैं। और चतुर्मास मतलब 4 महीने जब वर्षा रहती है, ऐसे समय पर जो साधु संत होते हैं वो, अब तो खैर बिल्डिंग्स बन गई, रोड्स बन गए, जंगल खत्म कर दिए हमने, कंक्रीट के जंगल बना दिए, तो यहाँ पर सांप बिच्छू तो दिखते नहीं है, ठीक है? नहीं, हाँ लोगों की नेचर जरूर सांप और बिच्छू जैसी हो गई है, इसलिए सांप और बिच्छू नहीं दिखते, क्योंकि लोगों के अंदर ईर्ष्या बहुत है, दूसरों के सुख से बहुत जलते हैं। अगर किसी को मारना हो तो बस उसको अपने ऑपुलेंस दिखा दीजिए, वो घुट घुट के मर जाएगा, है कि नहीं? तो लोगों के अंदर ईर्ष्या रहती है, द्वेष रहता है, तो किसकी नेचर है ये? सांप और बिच्छू की। तो जो लोग ज्यादा ईर्ष्या द्वेष में रहते हैं, तो बताते हैं ऐसे समय पर जब शरीर त्यागते हैं तो ऐसे लोगों को यही योनियां मिलती हैं, सांप और बिच्छू जैसे। हमेशा ये लोग बहुत ईर्ष्यालु रहते हैं, किसी को भी कभी भी मार देते हैं। इसलिए वैष्णव जन जब कभी सांप मारे जाते हैं या दिख जाए तो सांप को मार भी दिया जाए तो भी प्रसन्न होते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि सांप जैसा जहरीला प्राणी बिना बात के किसी को भी डंक मार देता है, तो दूसरों के लिए प्राण का खत्म कर देता है। इसलिए अगर इन लोगों को मार भी दिया जाए देखकर तो भी वैष्णव जन खुश होते हैं, क्योंकि ऐसा ईर्ष्यालु जीव जो दूसरों के लिए खतरा पैदा करता है, ऐसे व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। अब ये नहीं कि ढूंढ ढूंढ के मारे, कभी घर में निकल गया, कहीं निकल गया तो तब, अब जंगल में जा जाके मारने लग जाए तो फिर ये अत्याचार हो जाएगा नेसेसरी। तो इस तरह से हम बता रहे थे कि शहरों में जो है अब नहीं दिखने में मिलते ये सब, लेकिन पहले के समय पे जब लोगों को जीवन का लक्ष्य पता था, आजकल तो किसी से पूछो व्हाट इज योर एम ऑफ योर लाइफ तो क्या बोलेगा? बहुत सा पैसा एंड वाइफ, है कि नहीं? तो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, यही हमारे दिमाग में कंसेप्ट चलता है कि खाओ पियो ऐश करो। और खाना पीना और ऐश करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और पैसा कहां से आता है? पेड़ से, मनी प्लांट। हाँ, कहां से आता है? भगवान से। कौन से भगवान से आ रहा है? इतनी डिवोशनल मत बन बेटा, स्कूल से निकाल देंगे, स्कूल से निकाल देंगे। अगर कहीं बात कर ली आज, जैसे एक मैंने वीडियो देखा था कि किसी बच्चे ने जब स्टेज पे परफॉर्मेंस करना था तो किसी ने बोला जय श्री राम, उस बच्चे ने भी कह दिया जय श्री राम बिफोर स्टार्टिंग हिज स्पीच और समथिंग। तो टीचर उठ के आ गई, आप ऐसा नहीं बोल सकते, आपको ये नहीं बोलना चाहिए, हम लोग यहाँ पर इसलिए नहीं, मैं आगे से अलाउ नहीं करूंगी, मैं बंद कर दूंगी। उस बेचारी की परफॉर्मेंस नहीं होने दी और उतार दिया। बाद में शायद उसके ऊपर क्या, उसको शायद रेस्टिगेट किया गया, क्या गया मुझे नहीं मालूम, बट कहने का मतलब भारत देश में ये है कि जहां पर आप किसी कल्चरल प्रोग्राम में गए और वहां पर भगवान का नाम नहीं ले सकते तो कितने हुए। तो मुझे इसलिए लगा, इसने कहा ना पैसा भगवान से आता है, तो मुझे लगा कि टीचर ने कभी पूछ लिया और वहां उसने बोल दिया भगवान से आता है तो कहेगी प्रूव मी, है ना? तो प्रूव कर सकते हो? हाँ, प्रूव करने आता है तब बोल सकते हैं। तो पैसा कहां से आता है और कैसे आता है? किससे? कर्म से। वेरी गुड, कर्म करना पड़ता है पैसे के लिए, बिना कर्म पैसा नहीं मिलता। और कैसे कैसे कर्म करना पड़ता है, कैसे कैसे कर्म से मिलता है पैसा? नहीं, कमाल कर नहीं सकता, मतलब कर्म करने से पैसा आता, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, आजकल तो यही है। और पैसा इतनी आसानी से आता नहीं बिना झूठ बोले, बिना टैक्स छुपाए, बिना नंबर दो किए, है कि नहीं? और कुछ भी करो तो उसके लिए क्या चाहिए? एक्सपीरियंस चाहिए, स्किल्स चाहिए, एजुकेशन चाहिए, क्योंकि
क्यों पढ़ाते हैं घर वाले? ताकि कर्म कर सकें, कुछ काम कर सकें। तो कहने का क्या मतलब है, खूब मेहनत करने के बाद कर्म से हमें फल मिलता है। तो हम ये बताना चाह रहे थे कि लोगों की जो मेंटालिटी है आज, वो पर्पज़ ऑफ लाइफ भूल चुके हैं। उनके पास एक ही पर्पज़ है कि कैसे हम पैसा कमा लें ताकि लाइफ को एंजॉय कर लें, इसके अलावा दूसरा लक्ष्य नहीं है। मैंने कर लिया, अब मेरे बच्चे करें, मेरे पास और पैसा है तो मैं पोतों को भी दे जाऊं ताकि वो भी कर लें। अब हो क्या रहा है समाज में, क्योंकि लोगों को धीरे धीरे ये सब पता नहीं कि पर्पज ऑफ लाइफ क्या है और अच्छे कर्म और बुरे कर्म का नतीजा क्या है, ये भी नहीं पता। इसलिए लोग कहते हैं कर लो बस, बाद में देखा जाएगा, या ये स्वर्ग नरक तो सब पंडितों का बनाया हुआ है डराने के लिए, ये कुछ होता नहीं है। क्यों बोलते हैं? इसलिए ताकि वो कर सके। जब कोई सुपीरियर अथॉरिटी सर पे नहीं होगी, यह स्वर्ग और नरक की अवधारणा नहीं होगी, तो लोग क्या बोलेंगे, अरे सब यही है, स्वर्ग भी इत्थे है, नरक भी इत्थे है। जस्टिफाई कर देते जस्टिफाई करते हैं क्यों? क्योंकि यार ठीक है, बाद की बातें भूल जाओ, और दो चार मेरे जैसे और मिल जाएंगे, वो भी यही बोलने लग जाएंगे, सब कुछ इधर ही है, तो फिर ये सिद्ध हो जाएगा कि इधर ही है। ऐसे होता है जैसे अगर हम लोग ये बोलना शुरू कर दें कि यही पंजाबी बाग है, आप भी बोलने लग जाओ पंजाबी बाग है, ये पंजाबी बाग है, तो ये पंजाबी बाग हो जाएगा। सारे लोग अपने पंजाबी बाग ये जी, लेकिन पंजाबी बाग तो नहीं है ये तो क्या है, पीतमपुर है। तो कहने का क्या मतलब है, दो चार छह मूर्ख मिल जाए अगर और कोई बात बोलने लग जाए कि ये चीज यही है, तो उनके कहने से नहीं होगा कि जी अमेरिका ये है। क्यों है जी भाई अमेरिका ये? तो कहने का क्या मतलब है, इस समाज में, इस संसार में लोगों की चेतना इतनी ज्यादा दूषित है कि वो अपना जीवन, अपना लाइफस्टाइल केवल खाने पीने और ऐश करने तक रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वर्ग और नरक की अवधारणा को नहीं मानना चाहते। लेकिन हमारे मानने या ना मानने से ऐसा नहीं है कि वो माना नहीं जाएगा, वो एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर इसका क्या प्रूफ है? इसका प्रूफ ये है कि क्रिश्चियनिटी का आप ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहां भी कहते हैं अच्छे कर्म करोगे तो हेवन जाओगे, बुरे करोगे तो हेल जाओगे। इसका मतलब उनके धर्म में भी बताया गया है हेल एंड हेवन। और अब अगर इस्लाम की बात करो तो इस्लाम वाले भी यही बात बोलते हैं, अच्छे कर्म करोगे, अल्लाह की आयतों के हिसाब चलोगे तो कहाँ जाओगे, जन्नत जाओगे, और नहीं मानोगे, नहीं करोगे तो जहन्नुम में जाओगे, दोजख में जाओगे। वहां पर क्या क्या होता है जी, दोजख में आग के दरिए हैं, वहां पर खूब मार पड़ती है, उबाला जाता है आग में। और जन्नत में क्या है, हूरे हैं, कितनी, 72 तो हरे कृष्णा, हमारे बीच में अर्जुन आनंद प्रभु किसी दूसरे प्रोग्राम से मुझे समय निकाल कर लाए। तो वहां पर भी क्या है, यही अवधारणा है। इसका मतलब ये एग्जिस्ट करते हैं, तभी सभी धर्मों में गाइडलाइंस के रूप में दिया गया है। अभी हो क्या रहा है हमारे साथ कि हम लोग यहीं पर जो अच्छा होता है हमारे साथ, हमको लगता है स्वर्ग भोग रहा है, और कुछ बुरा होता है तो हम क्या कहते हैं, नरक भोग रहा है। लेकिन वास्तव में यहां पर जो हमें मिलते हैं, हमारे कर्मों के केवल 25% यात्रा यहां मिलती है स्वर्ग, अच्छे और बुरे के हिसाब से, बाकी सारी हेलिश प्लैनेट्स में और स्वर्ग इत्यादि में मिलती है। तो अभी क्या है, जनरली लोगों को पता ही नहीं है सही क्या है गलत क्या है, इसलिए सबका उद्देश्य क्या, खाओ पियो ऐश करो। लेकिन जब हम साधुओं की संगति में आते हैं, जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं, तब हमारी आंखें खुलती हैं कि अरे हमें तो पता ही नहीं था करना क्या है, हम तो केवल लाइफ को जी रहे थे। किनको देखकर? मूवी के स्टार्स को देखकर कि वाह क्या कपड़े पहने, या उन पड़ोसियों को देखकर जो आए दिन कभी सिंगापुर, कभी अमेरिका, कभी कनाडा जा रहे थे, वहां जाके खा रहे पी रहे घूम रहे थे, तो हमें लगता पर्पस ऑफ लाइफ शायद यही है। फिर हम देखते नहीं ये नहीं है, कुछ कर दिखाना गेम्स में, स्पोर्ट्स में, तब कुछ होगा, नेम फेम मिलेगा, हमें लगता शायद पर्पस ऑफ लाइफ ये है। नहीं, अच्छी सरकारी एक बढ़िया नौकरी हो जाए, है ना, एक अच्छी ए ग्रेड की, तो जीवन सफल है, हमें लगता है ये शायद लाइफ का पर्पस है। जी नहीं,
ये सारे काम दो वक्त की रोटी खाने के लिए हैं। पर्पज ऑफ लाइफ ये नहीं है, पर्पज ऑफ लाइफ है कि हम लोग सुखपूर्वक आनंद के साथ इस जीवन को जिए और फिर जीवन के अंत में हम लोग 84 लाख जो योनियां बताई गई हैं उसमें दोबारा ना लौटे, क्योंकि फिर किसी में आ गए तो फिर कोई नई मम्मी नई पापा उड़ने वाली तैरने वाली कोई भी मिल सकती है। तो इसलिए जो हम लोग कर्म करते हैं हमसे कर्मों में बहुत पाप होते हैं, बहुत गलतियां होती हैं। तो उसके लिए आजकल क्योंकि समाज में तो शहर ज्यादा बन गए, कंक्रीट हो गया सब कुछ, और साधु संत भी वैसे नहीं रहे भजन वाले, है कि नहीं? तो क्या होता है, हमें रोल मॉडल मिलते ही नहीं या कुछ सिखाने वाला मिलता ही नहीं। इसलिए पहले के समय में जब वन थे, जंगल ज्यादा हुआ करते थे, लोग सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग बेसिस पे जीवन जीते थे। लिविंग का मेन सोर्स था फार्मिंग। तो लोग कितने घर में हो, 15 हो 20 हो, फार्मिंग करके सब लोग आराम से खाना पीना इत्यादि सब कर लेते थे। और फिर इस तरह से धीरे 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 समय बीतता गया और आज ये स्थिति आ गई कि आज फार्मिंग के अलावा बहुत से हमारे पास प्रोजेक्ट हैं कमाने के लिए। लेकिन पुराने लोग क्या करते थे, जब अपनी घर गृहस्थी में लगे होते थे, फार्मिंग इत्यादि में लगे होते थे, तो साधु संत क्या करते थे, ये ट्रैवलिंग करते थे बाय वॉक, भगवान का नाम जप करते थे और कुछ घरों से भिक्षा मांगते थे, भिक्षां देहि, और भोजन मिलता था अपना भोजन किया फिर आगे निकल पड़े, या कुछ दान में मिला तो अपने घर गृहस्थी को चलाया, फिर भजन में लग गए, अपने पूजा अनुष्ठान इत्यादि में लग गए। और फिर वो लोग क्या करते थे, लोगों को बताते थे पर्पज ऑफ लाइफ कि सर आप सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपको क्या समझना चाहिए, जानना चाहिए कि पर्पज ऑफ लाइफ क्या है। और फिर वो साधु कुछ कथा करते थे, उनको दान दक्षिणा मिलती थी, चले जाते थे। इससे क्या होता था, जो गृहस्थी होता था उसको मता चल जाता था कि मुझे क्या करना है, इतने बजे उठना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, भगवद गीता भागवत रामायण इत्यादि पढ़नी चाहिए, फिर अपने काम धंधे में जाना चाहिए, घर परिवार को पालना चाहिए, घर वालों को शिक्षा देनी चाहिए, ये होता था। तो समय बदल गया। तो जब ये साधु संत निकलते थे तो इन 4 महीनों में जब वर्षा अधिक होती थी इन सब टाइम में क्या करते थे, एक जगह रुक जाते थे। एक जगह किस लिए रुक जाते थे कि भाई बरसातें हो रही है, सांप बिच्छू बाहर निकलेंगे, चलना ठीक नहीं है, तो एक जगह बैठ के अपना भजन करते हैं। खूब भजन करते थे, बहुत शक्ति मिलती थी उनको, तपस्या करते थे इन महीनों में, 4 महीनों में विशेष तपस्या लेते थे, जमीन पर सोना, एक टाइम खाना या फल पे ही रहना, कुछ लोग जल पे ही रहते थे, बाल ना काटना, दाढ़ी इत्यादि बढ़ा लेते थे, शारीरिक जरूरतों को कम से कम कर देते थे ताकि भगवान के पास भगवान का नाम ज्यादा ले सकें। तो इन 4 महीने में खाली ये करते थे। और जब इतनी तपस्या कर लेते थे, जैसे चतुर्मास समाप्त होता था फिर से प्रचार में निकल जाते थे, तब लोग कहते थे आइए भगवान हमारे घर आइए, हमारे घर में चरण डालिए। जब साधु इतनी तपस्या करता था तो जिसके ऊपर हाथ रख दे, जिस पे जिसको ब्लेसिंग्स दे दे, उनके काम निकल जाते थे। इसलिए साधुओं की बड़ी ही महिमा होती थी। तो इस तरह से चतुर्मास जो बताया हमने, ये 4 महीने जो शुरू होते हैं अगस्त से लेकर नवंबर तक, इन 4 महीनों में साधु संत तपस्या करते थे। और इनमें भी जो 12 महीनों में ये 4 महीने हैं जो टॉप मोस्ट हैं भक्ति करने के लिए, उसमें भी जो आखिरी का महीना है जिसे दामोदर मास कहते हैं, या फिर इसे और कौन सा कार्तिक मास भी कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण कहा गया। मतलब पूरे 12 महीने में ये टॉप मोस्ट है। और इस महीने में श्रीमती राधा रानी बहुत प्रसन्न होती है उन लोगों से, क्योंकि इसे ऊर्ज व्रत भी कहते हैं, इसमें ऊर्जा भक्ति के लिए ऊर्जा बहुत देती है राधा रानी, उनको बहुत प्रिय है, कृष्ण को भी बहुत प्रिय है, क्योंकि इस महीने में उन्होंने ऐसा डिस्काउंट दिया, दिवाली इसी महीने आती है, बोनंजा प्राइजेस मिलते हैं लोगों को, हाँ पुरानी साइकिल लाओ नई बाइक ले जाओ, है कि नहीं, पुराना स्कूटर लाओ मारुति कार ले जाओ, हाँ पुरानी वाइफ लाओ वही ले जाओ, इधर कोई ऑप्शन नहीं है है कि नहीं। तो इस महीने में हम लोग देखते थोड़ा सा भी कुछ करें ज्यादा मिलने का होता है। तो ये जो महीना है कार्तिक का, इस कार्तिक के महीने में कुछ भी डिवोशनली हम कर दें तो भगवान ने जो है खुला दरबार कर रखा अपना,
कि इस महीने में कोई कुछ भी डिवोशनली प्रैक्टिसेस करेगा उसको मैं कुछ भी दे दूंगा, उस पर बहुत कृपा कर दूंगा, सारे पाप समाप्त कर दूंगा, वो व्यक्ति निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगा, भगवान के धाम चला जाएगा इस महीने में अगर वो भक्ति करता है। नो मैटर ही बिलोंग्स टू ब्राह्मण फैमिली, क्षत्रिय फैमिली, वैश्य फैमिली और शूद्र फैमिली, वो चाहे मलेच्छ हो चाहे यवन हो, किसी भी जाति प्रजाति में पैदा हुआ हो, लेकिन इस महीने अगर वो भक्ति कर लेता है तो उसको वो मिल जाएगा जो बड़े बड़े साधु संतों को भी खूब तपस्या और त्याग करके नहीं मिलता। मतलब गृहस्थास के लिए तो ये एक विशेष ऑफर आ गया जी, बोनेंजा दीपावली। तो इस महीने में हम लोगों को हमेशा तैयार रहना चाहिए भक्ति करने के लिए। इस महीने में आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सी अद्भुत लीलाएं भी की, कई असुरों का वध किया इसी महीने में, और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण ने एक बड़ी सुंदर लीला की। उस लीला का थोड़ा सा व्याख्यान हम करते हैं। देखिए वैसे तो इस महास का नाम ही दामोदर है, लेकिन दामोदर शब्द का मतलब और भी है, एक दाम और एक है उदर। दाम का मतलब रस्सी और उदर का मतलब पेट, ठीक है कि नहीं। तो इस महीने में एक बड़ी सुंदर लीला खड़ी थी। भगवान कृष्ण जब बाल्यावस्था में थे, छोटे से थे वृंदावन में, आए दिन गोपियां कृष्ण का सुंदर दर्शन करने के लिए यशोदा के घर जाती थी, या फिर कृष्ण जो है नटखट लीलाएं करती थी तो सारी गोपियां उसी की चर्चा करती रहती थी कि अरे कैसा कृष्ण अद्भुत है, देखो बलराम के साथ आज ये किया, आज उसने ये किया। कई बार ये दोनों छोटे भाई वृंदावन में छोटे छोटे बछड़ों की पूंछ पकड़ लेते थे। अब बछड़े भागना शुरू करते थे तो ये पूंछ छोड़ते ही नहीं थे, तो क्या होता था, ये साथ में घसीटते रहते थे और कहीं ना कहीं गिरते रहते थे, पटकते रहते थे, माँ इनको संभालती रहती थी। नटखट बहुत थे दोनों, थोड़ा थोड़ा ये दूसरों के घर में जाके चोरियां भी करना सीख गई। वैसे खुद के घर में 9 लाख गायें थी, दूध दही की तो नदियां बहती थी, मक्खन घी सब कुछ अवेलेबल था, हर तरह के मिष्ठान अवेलेबल थे। लेकिन भगवान थे, कहते हैं ना ब्रज जन रंजन, ब्रज के जो उतने भी जन थे उनको आनंद देने के लिए भगवान कृष्ण सुंदर सुंदर लीलाएं करते थे। भाई आजकल हमको अगर कुछ रंजन करना है तो मनोरंजन करने के लिए हम क्या करते हैं, टीवी के सामने बैठ जाते हैं और उसमें निकम्मों की या बेवकूफों की लीलाएं देखते हैं कौन है निकम्मा और बेवकूफ, वो जो ढंग से पढ़े लिखे नहीं, वो जो स्टार्स की औलादे हैं, वो जो शक्लें बनाना सीख गए, कैमरे के सामने उछल कूद करते हैं और हमारे सामने बैठकर हम उनका 2-2, 3-3 घंटे उनका दर्शन करते हैं, और जब इनके पास पैसा आ जाता है तब लोग ये सफेद सफेद को चाटते हैं या सूंघते हैं और फिर जेलों में पाए जाते हैं। ये हमारे रोल मॉडल्स हैं ना, है ना, वो दिखाएंगे शराब के ऐड करेंगे, वो दिखाएंगे हमें ये करना चाहिए, उनकी बेटियां लड़कियां जो हैं स्टार्स जो हैं वो बिना कपड़ों के या कम कपड़ों के टीवी में नजर आएंगी। हमें लगता है कि जीवन का मतलब यही है, ऐसे जीना चाहिए शायद, नहीं ये लाइफ नहीं। तो हम लोग मनोरंजन करेंगे टीवी लाएंगे, और आजकल तो टीवी के आगे भी लोग कम बैठते हैं, आजकल मोबाइल के साथ बैठते हैं, है कि नहीं। और मोबाइल ने हमें ऐसा बांध रखा है कि वो हमें लेफ्ट राइट होने ही नहीं देता। गोपियां कहती हैं हम कृष्ण का दर्शन करना चाहती हैं लेकिन एक अड़चन है, जिसकी वजह से वो ब्रह्मा जी को कोसती हैं कि ब्रह्मा जी आपने मनुष्य बनाया लेकिन एक काम गड़बड़ कर दी, आपके अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है आपकी मेकिंग में। कहते क्या, कहते आपने आंखें तो बनाई लेकिन साथ में पलके लगा दी। अब इससे क्या होता है, जब हम कृष्ण का दर्शन करती है ना तो कभी झपकना पड़ जाता है, जब आंख झपकती हैं तो वो जो फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड का टाइम था वो हमें ऐसा लगता है जैसे कई युग बीत गए कि हमने कृष्ण को नहीं देखा। और आज के लोग भी ब्रह्मा को गाली देते हैं कि तुमने पलके क्यों लगाई, क्यों बनाई पलके, क्योंकि जब हम मोबाइल देख रहे होते हैं तो कई बार आंख झपक जाती है। तो इससे क्या होता है, हमारा एक क्षण के लिए दर्शन खत्म हो जाता है। तो कहने का क्या मतलब है कि लोग इतना ज्यादा फोन्स में और टीवी में घुस गए हैं कि उनको अपना, पहले होता था लोग अकेले रहते थे ना तो बड़ा परेशान होते थे, फ्रेंड्स नहीं है, कोई है नहीं, ये कैसी लाइफ है। और आज कहते हैं कोई ना रहे, मैं कमरे में रहूं और मेरे साथ क्या रहे, फोन रहे। टेम्पल में था एक
दिन तो लेडी खड़ी थी, साथ में छोटा बच्चा था और बड़ा चीं चीं भौं भौं कर रहा था। मैं कहो टॉयलेट में बंद कर दूं, पता क्या बोला उसने, कर दो लेकिन फोन के साथ। हो रहा है, मैंने घनघोर कर लियो, मतलब बच्चा टॉयलेट के अंदर बैठना चाहता है, 2 घंटे 4 घंटे मुझे अंदर रखो, 6 घंटे भी रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या फोन के साथ। तो हम सोच रहे हैं, देख पा रहे हैं कि क्या कहाँ अट्रैक्टेड है। तो गोपियां कृष्ण से अट्रैक्टेड, कृष्ण का ही नाम, कृष्ण का ही चिंतन, और सुबह सुबह उनकी लीलाओं का वर्णन शुरू कर देती थी। हमारे पास डिस्कस करने के लिए पड़ोसी की बातें, टीवी की बातें, सीरियल्स की बातें, उनके पास क्या सब्जेक्ट मैटर है, कृष्ण। और कृष्ण के बारे में सोचती हैं, कृष्ण के ही दर्शन करती हैं, कृष्ण के ही लीलाओं का वर्णन करती हैं। अच्छा, इससे क्या होगा, कृष्ण कृष्ण के पीछे लगे रहने से क्या होगा। कृष्ण जो कि सर्व आकर्षक हैं, ऑल अट्रैक्टिव हैं, कृष्ण जो सुप्रीम भगवान हैं, उनका नाम गुणगान, उनकी लीला का वर्णन करने से हमारे जो ये कान है, जो दुनिया भर के गंध सुनता है पूरे दुनिया में, अगर कृष्ण की लीला सुनते तो कहते दैट बिक इट मेक्स इट द परफेक्ट। कान का परफेक्शन किसमें है, कृष्ण की कथा सुनने। दर्शन करते हैं दुनिया भर के, लेकिन अगर कृष्ण का दर्शन करते हैं तो परफेक्शन ऑफ आईज, मतलब आपके जीवन में आपकी आंखों ने आज तक जो देखा उससे कोई परफेक्शन नहीं है। परफेक्शन कब है, जो कृष्ण का दर्शन कर। ये टंग, ये जो जिह्वा है, जिसने दुनिया भर की बातें करी, चुगलियां करी, अपराध किए, पाप किए, गालियां दी, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। नहीं, आपके पास वाक्पटुता है, वर्ड जगलरी, आप जुबान की खाते हो, आप बहुत परफेक्शन आ गई आपको उल्टा सीधा बोलने की, आप झूठ बड़ा अच्छा बोल लेते हो, कोई यूज नहीं है अगर आपने इस जिह्वा से भगवान का नाम गुणगान नहीं किया। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि अगर किसी के पास जिह्वा है और उसने भगवान का नाम नहीं लिया तो मेंढक के समान है। जैसे मेंढक बरसातों में क्या करता है, टर्टर करता है, और सांप उसकी टर्टर की आवाज से वहां पहुंच जाता है। तो जितनी टर्टर करता है, जितना ऊंचा ऊंचा बोलता है, अपनी मौत को हाँ बुलावा देता है और सांप तुरंत खा लेते हैं। तो जिह्वा है, लेकिन जिह्वा से हम भगवान का नाम नहीं जप रहे हैं, कीर्तन नहीं कर रहे हैं, तो वेस्ट ऑफ टंग। अगर जिह्वा का कर लिया इस्तेमाल तो परफेक्शन ऑफ टंग। फिर कह रहे हैं कि अगर इन कानों का इस्तेमाल कृष्ण की कथा सुनने के लिए नहीं किया, तो जैसे सांप जिन बिलों में रहता है ना, तो कह रहे हैं कान के छेद सांप के बिल के समान है। तो सांप ही नहीं घुसा हुआ, बाकी सब बिल है वैसे ही है। क्यों? क्योंकि इसने कृष्ण की कथा नहीं सुनी। तो पर्पज ऑफ लाइफ इज टू चैंट अबाउट कृष्णा, हियर अबाउट कृष्णा, आंखों की परफेक्शन, उनका दर्शन। तो गोपियां हमेशा ऐसे मग्न रहती हैं, इसलिए आज हम इस संसार में सड़ रहे हैं और गोपियां सारी कृष्ण के साथ डांस कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस व्यक्ति को रिझा लिया, उससे रिझी हुई हैं जो ऑल परफेक्ट है, सुप्रीम लॉर्ड है। और हम लोग इस संसार में कितनी बार दिल लगा चुके हैं लोगों से, कितने लोगों से दिल लगाया, कितनों से प्यार किया, कितनों को आई लव यू बोला, फिर दूसरा चेंज, फिर तीसरा चेंज, फिर अलग योनि में आए, कुतिया बनकर आए तो कुत्ते से प्रेम, गधा बन के आए तो गधी से प्रेम, 84 लाख योनि है ना। तो हर योनि में कोई ने किसी ने हमको अट्रैक्ट किया। क्यों? क्योंकि हम किसी एक व्यक्ति से अट्रैक्ट नहीं हुए। कौन है वो? ऑल अट्रैक्टिव कृष्ण। वी मिस यूज, हमने अपनी एग्जिस्टेंस खराब कर दी। क्यों? क्योंकि भगवान से अट्रैक्ट नहीं हुआ। गोपियां अट्रैक्टेड थी, इसलिए गोपियां, गोपाल जितने भी थे, सब भगवान से अट्रैक्टेड थे। तो ये भगवान का हमेशा कीर्तन, नाम गुणगान करती रहती थी, और दही बिलोती थी, कृष्ण का ही कीर्तन करकर सोचती थी कृष्ण मेरे घर आके कब खाएंगे मक्खन। सारती थी हमारा मक्खन चुरा ले कृष्ण, ऊपर से क्या दिखाती थी, खबरदार अगर हमारे घर आया तो। कृष्ण को लगता था मेरे घर कमी थोड़ी है, लेकिन जो चीज चुरा के खाने में उसका मजा ही कुछ और है कि वो बोले ना 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 और हम घुस जाएं फिर पीछे से। तो गोपियां आए दिन मक्खन जो है छुपा देती थी, मक्खन छुपा दिया और हांडियों में बांध के ऊपर लटका दिया, या कई दिन गायब कर दिया।
कृष्ण अपने फ्रेंड्स के साथ आते थे। अब कृष्ण से कौन चीज छुपा सकता है, कई बार अंधेरा कर देते थे कमरे में, तो कृष्ण के जो आभूषण होते थे भगवान की, कहां से भेज रहे, भगवान की जो, सॉरी, जैसे इस्लाम में बोलते ना कि जो अप्सराएं हैं, सॉरी हूरे हैं, वो अल्लाह के नूर से चमकती हैं और उनका नूर बढ़ता जाता है, सुंदरता बढ़ती जाती है। तो यहां पर ये बताया जा रहा है जो भगवान कृष्ण हैं उनके शरीर से निकलने वाला जो दिव्य तेज है, जो नूर है, उससे सब कुछ प्रकाशवान रहता है और उनके जो आभूषण हैं या जो पूरा संसार है वो भगवान की दिव्य शक्ति से और दिव्य तेज से चमकता है। देयर इज नो सन एंड देयर इज नो मून, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है, वहां पर क्या नहीं है, न सूर्य है और न चंद्रमा। और जो लोग वहां चले जाते हैं वो लौटकर नीचे नहीं आते, वो हमेशा भगवान के साथ रहते हैं। बाइबल में रेवोल्यूशन 22 वर्स 5 उसमें भी ये लिखा है कि जो लोग भक्ति करकर गॉड के उस धाम में चले जाते हैं जहां न सूर्य है और न चंद्रमा, वो हमेशा भगवान के साथ रहते हैं। राग गरुड़ गराड़ी मोहल्ला हस्तपुराचार के 5 में ग्रंथ साहिब में लिखा है क्या, गोविंद का एक ऐसा धाम है ना तो जहां सूरज है और ना ही चंद्रमा, सेल्फ इल्यूमिनेशन है, और जो वहां चले जाते हैं वो लौटकर नीचे नहीं आते, अपने प्रकाश से ही प्रकाशित है। बिल्कुल, और यही कुरान वाले लोग बताते हैं कि अल्लाह जहां रहते हैं सातवें आसमान पे, ना वहां सूर्य है और ना चंद्रमा, अल्लाह के नूर से ही सब कुछ प्रकाशवान है, जो लोग वहां चले जाते हैं वो लौट कर नीचे नहीं आते। सब एक जैसे लग रहे हैं, कितने भगवान है, 4 एक कौन है वो, गोविंद है ना। मोहम्मद जी कह रहे हैं वो अल्लाह है, यीशु कह रहे हैं वो गॉड है, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं वो गोविंद है, और कृष्ण क्या कह रहे हैं, मेरा धाम है भैया, हमारे में बारे बारे बात कर रहे हो आप लोग, है कि नहीं। तो उस धाम की बात हो रही है, वही हमारा असली घर है। यहां तो हम सजा भुगतने आए, क्या करने आए हम लोग, कितने लोगों को लगता है हम यहां सजा भुगत रहे हैं, जी हाँ नहीं, कितने लोगों को लगता है कि हमें सजा मिल रही है संसार में, जब ज्ञान हो जाता है तब ऐसा लगता है वो ये भी ठीक है। अच्छा सजा मैं बता देता हूँ, आप लोगों में से कितने लोग जेल गए हैं हम जाते रहते, हमारा आना जाना है, गीता लेकर गए, खिचड़ी लेकर गए, चरणामृत बांटने गए, लेक्चर देने गए, जाते हैं। तो जेल में आप देखते हैं बड़ी बड़ी दीवारें हैं, 18 फीट की मिनिमम दीवार रहती है, 20 फीट to 18 फीट, ताकि कोई टाप ना सके, और उसके अंदर फिर जेल के अंदर बड़ी सारी जेलें, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 10 नंबर, 6 नंबर स्पेशली लेडीज के लिए, एड्रेस बता रहे हैं जाना हो। और फिर वहां पे जेल के अंदर भी दीवारें हैं बड़ी बड़ी, फिर उसके अंदर बड़ी सारे सेल्स हैं, फिर उसके अंदर जाएंगे तो फिर संगले लगी हुई हैं, और जो खतरनाक कैदी होते हैं उनको फिर हाथों में चेन वेन बांधी होती है। तो जिन लोगों ने स्टेट लॉज तोड़े, समाज में एक दूसरे को परेशान किया, है ना, तो ऐसे लोगों को वहां डाला जाता है। अब हमें लगता है कि हम तो जेल में थोड़ी हैं, हम तो इस संसार में, हमें किस बात का कष्ट। लेकिन नहीं, इसको अगर जेल कहा गया संसार को भी, तो यहां पर हमारे को भी बंद किया हुआ है। किस तरह से, सबसे पहले तो ये संसार से हम बाहर निकल नहीं सकते, इस ब्रह्मांड की जो कवरिंग्स हैं, 7 कवरिंग्स हैं, जिसको अभी तक साइंटिस्ट लोग भी नहीं देख पाए, पहली लेयर के बाद जो दूसरी लेयर है वो 10 टाइम्स ज्यादा है पहली लेयर से, और दूसरी के बाद जो तीसरी है वो उस वाली से 10 टाइम्स ज्यादा है। और वो किस तरह की लेयर्स हैं, अर्थ मतलब मिट्टी की पहली लेयर है, दूसरी है वाटर की, तीसरी है फायर की, चौथी है एयर की, पांचवी है स्काई की, फिर है माइंड की,
फिर है इंटेलिजेंस की 7 लेयर्स, तब ये ब्रह्मांड बंद होता है एक। तो हम अंदर जेल के अंदर हैं, 7 लेयर्स की जेल के अंदर हैं, और 84 लाख प्रकार की योनियों में बार बार भटकना, ये हमारी यूनिफॉर्म्स हैं यहां पे। और फिर जन्म और मृत्यु के चक्कर से फंसे हुए हैं, बाहर नहीं निकल सकते, बार बार जन्म बार बार मृत्यु, बार बार जन्म फिर मृत्यु, इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। और हमारे हाथ में शैकल्स तो नहीं है, हथकड़ियां तो नहीं है, फिर किससे बंधे हुए? हाँ, क्रोध कितने लोगों को आता है? गुस्सा सबको आता है ना, तो ये हमारी हथकड़ी है। लालच लोभ कितनों के अंदर है? तो बंधे हुए। मोह लग रहा है फंसे हुए अब। देखिए किस तरह से मोह हमको बांध के रखता है। अब 10 दिन कुत्ता पाल लो, अब 11वें दिन मिलेगा नहीं तो रोटी नहीं खाओगे, कितने गया है ना, इतनी अटैचमेंट हो जाती है, इसको बोलते हैं मोह। तुझे पारिवारिक मोह है, लालच है और आगे बढ़ने का, और इकट्ठा करने का, क्रोध है, इच्छाएं हैं। हम इच्छाओं से फ्री हुए? कितनी तरह की इच्छाएं चलती रहती है, ये बंधे हुए इससे। तो ये है शैकल्स। दूसरे से जलन, ईर्षा, मदमात्सर्य, इनसे बंधे हुए। तो किसी को लगे ना मैं फ्री हूं, मैं आजाद हूं, सॉरी, इन्हीं चक्करों की वजह से फिर जन्म हो जाता हमारा, इसलिए हम जेल के अंदर हैं। तो भगवान का धाम इन सबसे ऊपर है, ब्रह्मांड से बाहर। जो लोग भक्ति करते हैं, जो भगवान के रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडेंस को फॉलो करते हैं, ओनली सच पीपल, ऐसे लोग इस जन्म और मृत्यु से बाहर निकलकर उस भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। वहां जितनी भी गोपियां हैं, ग्वालम, और दिन भर लीलाएं होती रहती हैं, वो भगवान की लीलाओं का वर्णन करती रहती हैं, सुनती रहती हैं, करती रहती हैं। तो कृष्ण क्या करते हैं, उनका मक्खन चुराने आते हैं, और कई बार पकड़े जाते हैं, कई बार नहीं पकड़े जाते, कई बार देखते कि नहीं मिल रहा तो उनके शरीर से दिव्य तेज निकलता है, सब देख लेते कहां मटके छुपाए हुए, तो चुरा लेते हैं मक्खन। कई बार घर में कहीं नहीं मिलता मक्खन, तो वहां पर यूरिन पास करके भाग जाते हैं, चलो सफाई करनी पड़ेगी तुम्हें। कई बार घर में घुसते हैं, देखिए बच्चे दूसरे सो रहे हैं, उनको चींटी मार के भाग जाते हैं। तो इस तरह की लीलाओं से ब्रज के लोगों को आनंद देते थे, और हर ब्रज की गोपी चाहती थी मेरा घर कब आएंगे कृष्ण। तो कई बार एक बार तो पकड़ भी लिया, यशोदा के पास लेकर भी गए। यशोदा को लगता था भाई क्यों चोरी करेगा, जो अपने घर में कम है क्या? तो मानती नहीं थी यशोदा, क्यों? और वैसे भी कृष्ण तो स्वयं भगवान है, तो कुछ भी कर देते थे। तो फाइनली एक बार पकड़ भी लिया, सामने ले भी आए, लेकिन कृष्ण ऐसी चाल चली कि जो पकड़ के लाई थी उसी का बेटा उनके हाथ में निकला है कि नहीं। तो वो कहते भाई अगली बार ऐसे प्रॉब्लम किया तो आपका पति होगा आपकी जगह, मेरे बच्चे की जगह। तो कुछ ना कुछ करते रहते थे कृष्ण। इस तरह से ब्रज के लोग उनकी इन लीलाओं का वर्णन, आए दिन लंच से पहले भगवान 2 असुरों को मारते थे, व्योमासुर को मार दिया, अरिष्टासुर को मार दिया, अघासुर को मार दिया, बड़े बड़े खतरनाक लोगों को मारा, जो लोग देवताओं से भी नहीं मारे जाते थे, छोटे से कान्हा ने उनको मारा। आज बहुलाष्टमी का भी दिन है कि नहीं, तो बताया जाता है आज राधा कुंड का भी प्राकट्य हुआ था। कैसे हुआ था? एक बड़ा भयंकर अरिष्टासुर नामक जो है दैत्य भेजा कंस ने वृंदावन को उजाड़ने के लिए, और वो इतना बड़ा बैल था कि उसके सिंह जो है आसमान को टच कर रहे थे। जब वो आया तो उसने सब कुछ उखाड़ फेंकना शुरू किया। ब्रजवासियों ने कृष्णा को पुकारा, कृष्णा कृष्णा बचाओ। तो जब कृष्ण सामने आए तो कहा अच्छा तो समझ गए, तो हमसे लड़ाई करने आए, हमें ढूंढ रहा था। तो कृष्ण ने उसकी बेइज्जती कर दी, कहते छोटा सा बछड़ा है तो अब इतना हट्टा कट्टा उसको बोले छोटा सा बछड़ा है तो परेशान हो जाएगा वो। तो उसने जो है कृष्णा को मारने के लिए आगे आया, कृष्ण ने उसके सिंह पकड़े, उसको उठा के फेंका, फिर नीचे से गया, पूंछ पकड़ी, पूंछ उठा के फेंका, उसको फिर फेंका, भाई यही चल रहा था बड़ी देर, धूमधाम करके गिरा। फाइनली भगवान ने उसका सिंह तोड़ा और उसको उसी के सिंह से पीट कर मार दिया। अब क्या हुआ, राधा रानी और गोपियों ने कहा कृष्णा हम बाहर तेरे से बात नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने क्या किया है, गाय की हत्या कर दी, और गाय की हत्या कितना बड़ा पाप माना गया। कहते भाई गाय थोड़ी थी, ये तो अरिष्टासुर था। कहते जो भी हो,
फॉर्म तो कृष्ण गाय का था। कहते फिर क्या करूं, कहते सारी नदियों में जाओ स्नान करके आओ तब हम तुम्हें बख्शेंगे। कहते भाई मैं क्यों जाऊं, मैं सारी की सारी नदियां ही बुला लेता हूं, तो जहां रिष्टासुर ने पैर मारा था वहां खड्डा हो गया, तो बाकी भगवान ने और बड़ा खड्डा कर दिया उसको और सारी नदियों को वहां बुला लिया, गंगा जमुना सरस्वती कावेरी नर्मदा सिंधु कावेरी सब बुला ली। और सारी नदियों ने कहा बोलिए कृष्ण क्या चाहते हैं आप तो हमारे स्वामी हैं। कहा कि मुझे स्नान करने के लिए कहा था, मैं तुम्हारे पास ना आके मैं चाहता हूं कि तुम यहीं पर मेरी सेवा में लग जाओ। कहते बताइए क्या सेवा है। कहते इस कुंड को भर दीजिए अपने जल से। सारी नदियों ने उस कुंड को अपने जल से भर दिया और कृष्ण ने मारी उसमें डुबकी। कहा देखो राधा मैंने तो कर लिया स्नान, मेरे हो गए पाप खत्म। अभी अरिष्टासुर का पक्ष लेने के लिए तुमने जो उसकी मदद वो करी है तो अब आपको भी स्नान करना पड़ेगा और सारी नदियों में करना पड़ेगा पूरे विश्व। कहते हैं, कहते हाँ। तो फिर राधा रानी ने क्या करा कि ठीक है हम भी अपना कुंड बनाएंगे। और फिर सारी गोपियों ने अपनी चूड़ियों से जो जो उनको मिला खड्डा खोदना शुरू किया। सारी अच्छा गोपियां एक दो तो होती नहीं, वो लाखों करोड़ों की संख्या में गोपियां हैं, गिन भी नहीं सकते इतनी है। जब संसार के जीव नहीं गिन सकते, हम जीव की बात हो रही है, मनुष्य होने की नहीं, मनुष्य ने तो आपने गिन ली 7.5 अरब, लेकिन दूसरी योनियों में कितने लिविंग बींग्स हैं, कितनी एंटिटीज यू कांट काउंट। बैक्टीरिया गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। तो इतने हैं। तो सोचिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो कि मटेरियल वर्ल्ड का 3/4 है, ये जो 1/4 है मटेरियल क्रिएशन। और मटेरियल क्रिएशन भी अभी मैं अगर बताना शुरू करूं तो जो अभी मैंने ब्रह्मांड के बारे में आपको बता रहा था 7 लेयर्स वाला हमारा ब्रह्मांड जिसमें 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, जिसको अभी भी साइंटिस्ट लोग पूरा नहीं देख पाए। अभी 4 साल पहले इन्होंने 5 साल पहले बोलना शुरू किया कि यहां पर बहुत से ब्रह्मांड हैं, बहुत सी गैलेक्सीज हैं, बट ये सारी की सारी एक ब्रह्मांड के अंदर ही देखी है, इससे बाहर नहीं देखा कुछ उन्होंने। तो कितने ब्रह्मांड है मालूम? अगर एक ट्रक भरा हो मस्टर्ड सीड्स का तो सीड्स गिन सकते हैं आप? तो जितने बता रहा हूं उससे करोड़ों गुना ट्रक खड़े कर दो तो समझ लो इतने ब्रह्मांड हैं इस समय, जो मटेरियल क्रिएशन है भगवान। और स्पिरिचुअल क्रिएशन कितनी है? वो 3 टाइम्स ज्यादा है। तो अब सोचिए कि कितनी पॉपुलेशन उधर होगी। तो गोपियों ने अपने हाथ से कणों से तोड़कर मिट्टी खोदना शुरू करी और फाइनली धीरे धीरे जब खड्डा हो गया तो उनका पानी कहां से लाएंगे, जल भी तो चाहिए। तो कृष्ण ने कहा मेरा जल ले लो। कहते नहीं नहीं तुम इससे नहाओ दूषित हो गया, हम अपना जल खुद लाएंगे। कहां से लाओगे? मानसी गंगा से लाएंगे। सारी गोपियां लाइन में लग गई, मटके हाथ में आ गए और मानसी गंगा से जल भरा, एक के हाथ में पकड़ाया, ऐसे करते करते अपना कुंड भरने लगी। सब थक गई तो कृष्णा ने इशारा किया और सारी नदियां फिर से आ गई कि हे राधा रानी हमारी भी सेवा लीजिए ना आप। कहते ठीक है आप भी आ जाओ। तो फिर सारी नदियां उसमें आ गई और वो राधा कुंड बन गई। वैसे तो ये भी कहा जाता है राधा रानी के कुंड को कि राधा रानी का लिक्विड फॉर्म है राधा कुंड, श्रीमती राधा रानी। जो व्यक्ति उस राधा कुंड का आचमन करता है, सर पे जल रखता है, तो कहते हैं उसको कृष्ण प्रेम निश्चित रूप से मिलेगा इस संसार, इससे बड़ा धाम नहीं है वैष्णवों के लिए। तो आज इस तरह से बहुलाष्टमी में राधा कुंड का अपीयरेंस हुआ, राधा कुंड की। तो इस तरह से आए दिन आस पड़ोस की गोपियां कृष्ण के घर में आती थी और शिकायत लगाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, यशोदा मैया दही विलो रही थी और कृष्ण के ही गुणगान कर रही थी, सुंदर सुंदर भजन गा रही थी। मैंने बताया ना उनके पास गाने के लिए सुनने के लिए एक ही चीज है, क्या? कृष्णा। देखने के लिए भी एक ही चीज है, कृष्णा। और फिर जब सबने गाना शुरू किया, यशोदा गा रही थी, तभी कृष्ण की नींद खुली क्योंकि यद गायंती मद भक्ता तत्तिष्ठामि नारदा, हे नारद मैं वहां रहता हूं जहां मेरे भक्त लोग गुणगान कर रहे हो मेरा, कृष्णा ने ऐसा बोला। तो देखा माँ जो है बाहर है, तो माँ को पीछे से ऐसे पकड़ लिया। अब माँ ही जानती है कि जब उनका छोटा सा बालक जो थोड़ा थोड़ा चल पाता है तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है ना, और माँ को ऐसा पकड़ ले तो कितना वात्सल्य झलकता है माँ से, है ना, कि बस उसको ग्रैब कर लूँ उसको पकड़ लूँ, है ना। तो कृष्णा को पकड़ लिया, अरे मेरा बेटा आ गया, सो के उठ के आ गया। तो बिठाया गोदी में, बोलो, तो कहा माँ मुझे दूध पीना है। कितने अभी मैं दही बिलो रही हूँ, शाम को तुम्हारे को। कहते नहीं नहीं मुझे अभी दूध पीना है, भूख लगी है।
तो माँ ने कहा ठीक है, फिर थोड़ी देर काम छोड़ दिया, उसको दूध पिलाने लगी। अब माँ देखिए दूध पिला रही है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एवरीथिंग इज चिन्मय, एवरीथिंग हैज अ लाइफ एंड फीलिंग्स। तो रसोई में दूध उबालने के लिए रखा था और उसने भी कृष्ण की सेवा करनी थी, ठंडा होकर कृष्ण ने पीना था, दूध दही बनना था, कुछ होना था। तो उस दूध को क्या लगा, मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया, अगर आज कृष्ण मुझे नहीं लेंगे, मुझे मेरे को सेवा में नहीं लगाएंगे, मुझे नहीं पियेंगे, तो मेरा फायदा क्या जीने का। तो दूध उबलने लगा, उसने कहा मैं आज आत्महत्या कर लूंगा। अध्यात्मिक जगह तो कोई मरता नहीं है, सॉरी टू से, बट वहां तो चिन्मय जीवन है ना, वहां कोई मरता थोड़ी है। बट फीलिंग देखिए, भाव ग्राही जनार्दन, भगवान भाव ग्रहण करते हैं। तो दूध कहता मैं मर जाऊंगा आज, और उबलने लगा, नीचे जैसे ही गिरने लगा तो यशोदा मैया को याद आया, अरे भैया दूध रखा था। उसने कान्हा को नीचे रखा और भागती हुई अंदर गई और तुरंत जो है दूध को बचाने की प्रयास करने लगे। इधर कृष्ण को बड़ा गुस्सा आया, कहते भैया हम हैं राजा, हम हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, हमें माँ दूध पिला रही थी और हमें ही छोड़ के चल दी, ये कैसा प्यार है। तो कृष्ण गुस्सा आ गया और गुस्सा आके क्या देखा कि जो मटका था जिसमें दही बिलो रही थी माँ, पत्थर लिया और जोर से मारा मटके पे, वो मटका टूट गया सर, सारा का सारा मक्खन नीचे। अब कान्हा ने क्या किया, वो मक्खन उठाया अपने हाथ से, दोनों हाथ से, और कमरे में चला गया, सीटी मारी तो सारे बंदर आ गए। और अब बंदर जाते कितने शरीफ होते हैं। और आज हम वृंदावन से आ रहे थे, गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे, तो बंदर ही बंदर है वहां। किसी ने मुझसे पूछा प्रभु जी इतने बंदर क्यों हैं, बहुत ही शरारती क्यों हैं। मैं कहा शरारती इनकी नेचर है, इतने बंदर इसलिए हैं कि भगवान ने जो हैं इनकी मदद ली थी लंका पर चढ़ाई करने के लिए और इनका धन्यवाद ठीक से नहीं किया था, तो इनको इस बार अपनी लीला में फिर ले आए और अपने हाथ से मक्खन खिला खिला के वानरों को भगवान ने उनका थैंक्स किया, है ना। और इस तरह से वानर जो हैं मक्खन खाने लगे। अचानक माँ जब बाहर आई तो देखती है कि बच्चा गायब, मटका फूटा हुआ है, मौका वारदात पर पत्थर भी मिला जिसे तोड़ा है, मक्खन जो है गायब आधा, प्यारों के निशान जो है कमरे की तरफ जा रहे हैं। तो माँ को बड़ा गुस्सा चढ़ा कि भाई ये गोपियां शिकायत लगाने आती थी ना, इसका मतलब ठीक ही थी, ये सच में नटखट है, इसने जो है सच में बवाल मचा रखा है पूरे ब्रज में। एक डंडी उठाई और माँ जो है पैरों के निशान की तरफ, काना। अब जैसी माँ को देखा डंडी के साथ, तो धीरे धीरे, पहले तो बंदर गायब, सब गायब, काना के कहाँ चले गए। और जब पीछे मुड़कर देखा माँ के हाथ में डंडी, ओहो देखिए कृष्ण जो सारी सृष्टि करने वाले हैं, सारे असुरों को फूंक मार के उड़ाने वाले हैं, किससे डर रहे हैं, मां से, और मां के हाथों डंडी से। कृष्ण को डर लगने लगा, भयभीत हो गए कृष्ण, और भयभीत होकर भागने लगे। ओ भागवत क्या कहता है, भागवत में भगवान कपिल देव के रूप में जब आए तो अपनी मां को शिक्षा दे रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, मत भयात वाति वातोयम सूर्य तपति मत भयात वर्ष तो इंद्रो दहती अग्नि मृत्युश्चरति मत भयात। वहां भगवान क्या कह रहे हैं कि जो वायु है ना, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, कहते मेरे भय से चलती है, छुट्टी नहीं करती। फिर कह रहे हैं जो वर्षा होती है, इंद्र जो वर्षा करता है वो मेरे भय से करता है, अगर मैं यूं देख लूं तो उसको मालूम है जाना काम पर, वर्षा करनी है तो टाइम से वर्षा करता है। सूर्य जो है बिना किसी छुट्टी के रोज सुबह उगते हैं और रोज अस्त हो जाते हैं मेरे भय से। अब सोचिए अगर सूर्य ना हो एक दिन, हमारे बिजली के बिल बढ़ जाएं, सारा सोलर पैनल फेल हो जाए लोगों का, है कि सब कुछ अंधेरे में हो जाए, कितना कुछ सूर्य पर अटकता है हमारा, है कि नहीं। फिर कह रहे हैं मृत्युश्चरति मत भयात, ये जो यमराज जी हैं इनका काम क्या है, लोगों लेके जाना और पनिशमेंट देना, स्वर्ग वालों को स्वर्ग भेजना, नरक वालों को नरक भेजना। कहते मेरे भय से अपना काम परफेक्टली करते हैं, मेरे भय से।
जो सारा संसार काम कर रहा है किसके भय से? भगवान के भय से। और ये भगवान खुद भयभीत हो रहे हैं किससे? माँ के हाथ में डंडे देख, और भागना शुरू किया माँ पीछे पीछे, और बड़ी देर तक माँ पकड़ती रही पकड़ते, पसीने पसीने हो गई, वो डेढ़ छटांग का बच्चा हाथ में नहीं आ रहा, कभी आंगन में कभी लेफ्ट में कभी राइट कभी पलंग के ऊपर कभी नीचे। माँ थक गई पसीने पसीने हो गई, भैया ये तो सच में बड़ा नटखट है। कृष्णा को लगा यार अपनी माँ है, पकड़वा लेते हैं, है ना, इतना प्रयास कर रही हैं तो पकड़वा लिया, लेकिन अभी भी भयभीत हैं। माँ ने जैसे देखा कि मेरा काना छोटा बच्चा डंडा देखकर भयभीत, तो पहले माँ ने पहले डंडा छोड़ा, भाई इसको तो दूर करो, और फिर काना को पकड़ लिया। काना तो बहुत शरारती, बहुत शरारती है। फिर काना को लगा डंडा अब दूर चला गया, तो फिर वो फिर हंसने लगे। माँ ने कहा मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, मुझे लगता है जितनी शिकायतें आती थी बिल्कुल ठीक है, तो आज मैं तेरे को ऊखल से बांध दूंगी, जिस पे धान कूटते होता है मोटर जिसे बोलते। तो माँ ने क्या करा, उसको बांध दिया। बांधने के लिए जो रस्सी थी इस्तेमाल कर रही थी, तो रस्सी बार बार गांठ मारने में छोटी पड़ जाती थी, तो फिर उसके साथ एक रस्सी और बांधी। अब रस्सी बड़ी होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही गांठ मारने लग जाए फिर दो उंगली छोटी पड़ जाए। माँ को समझ नहीं आ रहा था, तीसरी रस्सी ली वो बांधी, अब तो बड़ी होनी चाहिए, बांधने की कोशिश की, फिर दो उंगली छोटी पड़ गई, ना पेट बढ़ रहा है ना वो मोटर बढ़ रहा है, चक्कर क्या है? तो माँ परेशान हुई सारी रस्सी बांध बांध कर कि बंद क्यों नहीं रही। अच्छा दूसरा क्या था कि गर्ग मुनि ने बताया था कि तुम्हारे घर में साक्षात नारायण पैदा हुए। अभी माँ और बाप कभी भी अपने बच्चे को भगवान नहीं मानना चाहते, भगवान की योग माया शक्ति हमेशा उनको क्या करती है, कवर कर देती है। क्यों? नहीं तो फिर वो माँ का वात्सल्य प्रेम कैसे आस्वादन करेंगे? भगवान बहुत परेशान हो जाते हैं इस तरह खड़े खड़े चक्र इत्यादि लिए शंख लिए। वैकुंठों में कितने वैकुंठ है मालूम है? जितने सीड्स में गिना रहा था ना, उसको 3 times ज्यादा लगा लीजिए, इतने वैकुंठ हैं, और सब में विष्णु हैं। और हर लोक में सब लोग पुरुषोत्त गाकर पुरुषत्व गाकर भगवान का गुणगान करते हैं। देवता लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है आए दिन गुणगान करने पहुंच जाते हैं, और सब धूप बत्ती पूजा चावर सब करते हैं। कृष्ण कहते हैं बट मुझे ना ये रोज पूजा पाठ मुझे इतना ज्यादा लुभाता नहीं है। मुझे तो क्या लुभाता है कि कोई आए मेरे कंधे पे हाथ रखे, मेरे साथ खेले, मेरे कंधे पे चढ़ जाए, मैं किसी के कंधे पे चढ़ूं, कोई मेरा जूठा खाए मैं किसी का जूठा खाऊं, माँ मुझे मेरा आलिंगन करे मैं माँ का स्तनपान करूं, गोपियां खूब जो हैं जिनके साथ मैं रास कर सकूं आनंद उठा सकूं, मेरे को तो ये पसंद है। और यही कृष्ण जो हैं इसलिए सुप्रीम गॉड हैं, क्योंकि ये मुख्य है। इस प्रकार के जो 5 रस हैं जिसमें मुख्य 4 हैं, दास्य रस साख्य रस वात्सल्य रस और माधुर्य रस, ये रस का आस्वादन हम कृष्ण के साथ ही कर सकते हैं, विष्णु के साथ नहीं कर सकते। ना कभी सुना होगा ना कभी देखा होगा। कभी देखा है विष्णु पेड़ के चक्कर काट रहे हैं, 3-4 गोपियां घूम रही हैं या लक्ष्मियां घूम रही हैं, या किसी के साथ मजाक करते देखा आपने विष्णु को? सुना कभी नहीं। कहीं सुना कि विष्णु का मम्मी आई और स्तनपान करने लगे? नहीं, विष्णु कर नहीं सकते, इज अ वेरी बिग जेंटलमैन, उनके अंदर है नहीं भाव। कभी सुना कि किसी ने विष्णु के साथ हाथ मिला और कंधे पे हाथ रख लिया और विष्णु की हालचाल है सब ठीक चल रहा है? ऐसा होता है विष्णु के साथ? कैसे रहते हैं लोग विष्णु के साथ हाथ जोड़ के, है ना? और विष्णु का एक अवतार नरसिंह भगवान, कोई बोल सकता है और जी क्या हालचाल है? भाग जाएगा आदमी। तो विष्णु के साथ दास्य भाव तो चलता है। भगवान राम भी आए तो साख्य रस का स्वादन केवल विभीषण और सुग्रीव के साथ किया, केवल थोड़ा सा हाथ मिलाना गले मिलना, दैट्स ऑल, 2-3, सबके साथ नहीं। लेकिन कृष्ण, माँ जब बुलाने जाते थे बेटा आ जाओ कलेवा कर लो, इस लंच टाइम पापा इज कॉलिंग यू, कृष्ण कहते थे मम्मी मैं खेल रहा हूँ, खेलने के बाद आऊंगा। बच्चे कहते बेटा अगर तू चला गया ना कल से नहीं खिलाएंगे तेरे को, ये रोज कहते रहा, मम्मी आवाज मारती है तेरी बैटिंग हो जाती है, जब बॉलिंग आती है तो तू चला जाता है, कल से नहीं खिलाएंगे। तो कृष्ण डर जाते थे यार मेरे फ्रेंड्स कह रहे हैं,
तो माँ मैं नहीं खाऊंगा, मैं अभी खेल कर आऊंगा, नहीं तो ये मुझे खिलाएंगे नहीं। तो बताइए, दोस्तों के साथ डर रहे हैं भगवान। तो ये जो रस है, इसका आस्वादन करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण इस धरा पर अवतरित होते हैं, माता के स्तनपान करने के लिए। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो भगवान की उम्र 16 साल है, उससे बढ़ते नहीं है, लेकिन 16 साल का बच्चा माँ का स्तनपान करेगा क्या? नहीं, कहां कर सकता है? इस संसार में। तो माँ बाप को यहां लेकर आके छोटे बाल रूप में माँ का स्तनपान करते। तो वो ब्रज की लीलाएं सारी भगवान ने यहां की वृंदावन में, इसलिए वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ ही मुख्य रसों का आस्वादन जो है भक्त लोग करते हैं। तो इस तरह से माँ ने फिर बांधा बांधा तो नहीं बंध रहे थे, तो फिर भगवान को लगा मेरी ही तो माँ है, बंधवा लेता हूं, और फिर अपने आप को बंधवा लिया। हमारे रसिक वैष्णव आचार्य लोग बोलते हैं कि दो उंगली बार बार छोटी पड़ने का मतलब है रस्सी का, कि एक हमारा प्रयास और दूसरी भगवान की कृपा। कोई भी भगवान को प्राप्त कर सकता है, रिझा सकता है, अपना बना सकता है। क्या करना पड़ेगा? हमारी तरफ से क्या चाहिए? प्रयास चाहिए। आज जैसे हम लोग गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे, तो कई बारी कई तरह के ब्रजवासी पैसा मांगते हैं, छोटे छोटे बच्चे पैसा मांगते हैं। तो एक जगह दे दिया तो दूसरी जगह बच्चे पीछे पड़ गए, हमें भी दो, हमें भी दो, हमें भी दो। कितनी देर? 10 मीटर नहीं, 20 मीटर नहीं, 50 मीटर तक पीछे चला बच्चा। उसका डेडिकेशन देख के व्यक्ति को लगा, यार इतनी दूर से आ रहा है, ये ले बेटा। कहते हैं कि वास्तव में जब तक हम ऐसे नहीं मांगेंगे ना भगवान से, इतना डेडिकेशन नहीं दिखाएंगे, तो भी भगवान भी देंगे नहीं, कृपा नहीं करेंगे। तो क्या सीख मिली इससे? कि उस भिखारी की तरह, उस बच्चे की तरह, जब हम भगवान की शरण में जाएं या उनसे भक्ति की पुकार करें, तो हमारा डेडिकेशन, दृढ़ता भी ऐसी होनी चाहिए, ताकि भगवान फाइनली कहें ले यार तू, है ना। हम कैसे हैं? हम बड़े स्पेशल भिखारी हैं। और कृष्णा, डू यू हैव समथिंग? यार आजकल काम है यार, दे दे यार कुछ। अगर कोई भिखारी आपके पास ऐसे आए, भीख मांगते वक्त नॉक करे और अचानक एक्सक्यूज मी सर फोन आ गया, थोड़ी देर, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, 20,000 घरा के ले जा, ठीक है। अरे बाबू दे दे रहे, अरे भूख हूँ भाई, मैं कुछ खाया नहीं कई दिन से, है ना। कैसा जी, अरे 5-10 रुपये पेटीएम करो ना सर, 11 रुपये पेटीएम। कोई तो मन करेगा देने का ऐसे व्यक्ति? तो क्या चाहिए? हमारे एफर्ट्स चाहिए। और कैसे एफर्ट्स? जैसे माँ यशोदा दिखा रही है प्रेम से, तो हमें भगवान की शरण में इस तरह से जाना चाहिए, ताकि भगवान भी रिझ जाएं हमसे। तो इस तरह से भगवान भक्त वत्सल हैं और इन सब लीलाओं का आस्वादन करने के लिए ब्रज में आते हैं। और फिर माँ ने जब देखा कि चलो बांध दिया भगवान ने, बंधवा लिया, है ना, जब इतने प्रयास करेंगे तो भगवान फिर कृपा कर ही देते, तो कृपा होगी, बांध दिया। अब माँ अपने घर के काम अंदर करने लगी, तो अचानक कृष्णा उस इतने बड़े भारी मोटर को घसीटने लगे और क्रॉलिंग करते हुए, घुटनों के बल चलते हुए अपने आंगन में आ गए। अब आंगन में दो वृक्ष थे ऐसे, एक का नाम उनको अर्जुना क्या बोलते हैं, यमला अर्जुन, और उन दोनों के नाम थे वास्तव में नल कुंवर और मणिग्रीव। तो भगवान का तो बीच में से निकल गया और मोटर फंस गया। भगवान ने जोर से धक्का मारा और दोनों के दोनों इतने विशाल वृक्ष धड़ाम से गिरे, और पूरे ब्रज में बड़ी तेज आवाज हुई, थर्रा गया पूरा पूरा, सब भागते जाने लगे। और जब देखा दोनों वृक्ष गिर गए, कृष्णा बीच में है, तो तुरंत महाराज ने उठा लिया, नंद महाराज ने, डर गए कि कोई और राक्षस या असुर तो नहीं आ गया। देखा कृष्ण सही सलामत है, उठा लिया। इतने में पास खेल रहे बच्चों को बुलाया, भाई क्या हुआ था? बच्चों ने बोलना शुरू कर दिया, अंकल अंकल हमने देखा यहां पर कृष्णा थे, कृष्णा मोटर लेकर जा रहे थे, और धड़ाम से इन्होंने धक्का मारा कृष्णा ने, और दोनों पेड़ गिरा दिए, और उन पेड़ों से दो राजकुमार निकले, उन्होंने कृष्णा को हाथ जोड़े, कृष्णा की परिक्रमा की, कृष्णा की स्तुति की, और फुर्र उड़ गए, दोनों चले गए। तो उन्होंने कहा, कैसी बातें कर रहे हैं बच्चे, पागल तो नहीं हो गए? कहते नहीं, हमने देखा ऐसा हुआ। तो पिता को लगा, भाई बोल तो ठीक, बेशक ठीक रहे, लेकिन पिता भूलना चाहते हैं इस बात को कि मेरा बच्चा भगवान है,
फिर से भगवान ने उनको ढका और फिर वो कहते नहीं मेरा बेटा है, तो माँ कहते नहीं मेरा बेटा है, तो ये थोड़ी कर सकता है ऐसे, इस पर तो भगवान की विशेष कृपा है इसलिए ऐसा हो जाता है। हे हरि तुम्हारी बहुत कृपा है कि नहीं। इधर क्या हुआ, जो घूमने वाले दो लोग थे राजकुमार, ये वास्तव में कुबेर के पुत्र थे पिछले जन्म। कुबेर जो है वो कैशियर है देवताओं के और बहुत पैसा है, तो जब ज्यादा पैसा होता है तो बच्चों को तो फिर कमाने का मन ही नहीं, पढ़ने का मन ही नहीं करता, होता है ऐसा। जब पैसा ज्यादा हो और बच्चों ने बचपन में देख लिया हो तो बच्चे क्या कहते हैं, हमने नहीं पढ़ना, टीचर घर में आए हम टीचर के पास क्यों जाएं, है कि नहीं। और फिर बच्चे पिताजी कहते बेटा तेरे नहीं, तेरी सात पुश्तों तक के लिए पैसा रखा है, बच्चा और फन्ने खां हो जाता है। और उसके बाद फिर वो आज्ञाकारी भूल जाते हैं और फिर वो वैसी जिंदगी जीना शुरू कर देते। तो इन्होंने भी जो है कुबेर के पुत्रों ने क्या किया, लविश जिंदगी जीना शुरू कर दिया और बहुत सी जो अप्सराएं इत्यादि थी उनके साथ घूमने लगे गंधर्व की खात। और उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, पैसे का मिसयूज, पीना पाना और वुमेन साथ में, तो ये लोग एक कॉन्ड में घुस गए नेकेड। और जब वहां पर नारद जी आए तो ये इतने नशे में थे कि लेडीज ने तो अपने कपड़े तंत्र को ढक लिया लेकिन ये दोनों नंगे खड़े रहे और कोई सम्मान नहीं नारद जी, तो नारद जी ने कहा देखो ये कुबेर जी के पुत्र हैं, अपने रिस्पेक्टेड वर्शिपेबल कुबेर जी, और उनके बच्चे ऐसे निकले। तो उन्होंने क्या किया कि इनको शिक्षा देने के लिए श्राप दिया, क्योंकि वैष्णव जो श्राप देते हैं किसी को तो उससे उसका भला ही होता है। और क्या श्राप दिया कि जाओ तुम नंगे खड़े हो, तुम वृक्ष बन जाओ, हमेशा नंगे खड़े रहो। लेकिन वृक्ष बनाया कहां पर, नंद महाराज के आंगन में, कि अगले कल्प में जो भगवान कृष्ण आएंगे तो उनकी लीला से जब इनका स्पर्श होगा तो इनका उद्धार हो जाए। ये जितने अगासुर, अरिष्टासुर, व्योमासुर, जितने भी असुर थे, ये सारे के सारे पिछले जन्मों में कहीं गंधर्व या ऋषि या कोई राजा, इन्होंने किसी कभी दुर्वासा मुनि, कोई अंगिरा राज मनीषी, कोई भारद्वाज मुनि, इनके प्रति अपराध किए थे और अपराध करने की वजह से श्राप मिला था और श्राप की वजह से कृष्ण के हाथों इनका उद्धार हो गया सारे असुरों का। तो इधर भी क्या हुआ, ये नलकुंवर और मणिग्रीव जो है इस अवस्था में थे, फाइनली पश्चाताप हुआ, फिर बताया नारद जी ने कि तुम्हारा तभी उद्धार होगा। तो कृष्ण को याद था तो कृष्ण ने क्या किया, उन दोनों वृक्षों को गिराकर इनका उद्धार कर। तो हमें इससे ये सीखना है कि जब कभी लक्ष्मी या धन हमारे पास आ जाए तो क्या करना चाहिए, उससे बुद्धि खराब नहीं करनी चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, लाइफ को सिंपल ही जीना चाहिए, क्योंकि सिंपल लाइफ से हम बचे रहते हैं, जैसे लविश लाइफ की तरफ जाते हैं तो सिंफुल एक्टिविटीज में एंगेज हो जाते हैं, फिर व्यक्ति रोटी नहीं खाता, फिर उसको जीव खाने मारकर रोस्ट कर फ्राई कर, तो ये पाप है। फिर उसको सीधा चलना पसंद नहीं है, गिरता लुढ़कता चलना ज्यादा पसंद है, पुराने फलों का बासी रस पीने में ज्यादा, जो कलेजे को जलाते हैं ना, नशा, नशे में फिर कुछ भी मुंह से बोलेंगे, किसी को भी गाली देंगे, फिर फन्ने खा बन जाता व्यक्ति, तो पाप करता है। फिर वो एक स्त्री एक पुरुष से सेटिस्फाई नहीं होता उसको, फिर वो पैसा गलत जगह लगा, जुआ खेलने जाएगा वो कि और बढ़ जाए, है ना, और फिर इस तरह से सारे उल्टे काम शुरू करता है। तो इसका मतलब क्या है, धन हमारा फायदा करता है या नुकसान, और सुबह से शाम तक हम किसके पीछे पड़े, क्योंकि जितना धन हमारा भला करेगा उतना सबके पास ऑलरेडी है। दो वक्त की रोटी जितनी खानी होती है उसमें पूरे भारत में हर कोई खा रहा आराम से, वो बात अलग है कि धनी लोग बड़ा कम खा पाते, कारण कि फिर बीपी और शुगर पीछे पड़ जाता है, डायबिटीज हो जाती है और नाना प्रकार की चीज। क्या मतलब है कि सिंपल लाइफ कभी नहीं छोड़नी चाहिए, सादा जीवन हमेशा रखना और उच्च विचार रखने चाहिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस, सरल जीवन जी, और हाय तो बना रखे, हाय है ना, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है कि नहीं, ये दिल मांगे मोर। तो ये सारी चीजें क्या नुकसान करती है, हमारी बुद्धि खराब करती है, डिसीजन मेकिंग खराब हो जाती है, गलत संगति में बैठना शुरू कर देता है,
गलत फ्रेंड्स बनेंगे जिनका काम केवल क्या है, एंजॉय एंजॉय एंड एंजॉय. एंजॉय मीन्स सिंफुल लाइफ एंड सिंफुल लाइफ, और सिंफुल लाइफ एंड्स टूवर्ड हेलिश प्लैनेट्स. तो वो हमको नाना प्रकार की यातना दे, इसलिए जीवन को सदैव सरल रखना चाहिए. और अगर धन है भी जो किस्मत से मिल रहा है, कुछ काम करने में अधिक आ रहा है, ठीक है, धन का इस्तेमाल किस लिए करना चाहिए, धार्मिक कारण, पुण्य कर्म, दान, विद्या का दान, ग्रंथों का दान, ताकि लोगों की फायदा हो लोगों का. तो इस तरह से हमें अपने धन का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है. तो इस तरह से अब क्या था, इन दोनों का उद्धार हुआ और फाइनली सारी गोपियों ने कृष्ण को उठाया, देखा कि लगी तो नहीं, शाम का टाइम है. कृष्ण को जैसे जब पूतना का वध किया भगवान ने, तो सारे के सारे लोग डर गए थे. और फिर भगवान के ही नाम ले लेकर, पहले तो गौ माता के मूत्र से नहलाया, फिर गोबर का टच किया, फिर भगवान के सारे नामों से ही भगवान की रक्षा के लिए मंत्र बोले कि भगवान का ये भाग इस नाम से है ना, गोविंद नाम, माधव नाम, त्रिविक्रमाय, इतने नाम सब बोले ताकि भगवान की रक्षा हो सके. उनको क्या लगता था, ये बालक ही है और भगवान के जो नाम है वो उनकी रक्षा करेंगे. ऑब्वियस भगवान की रक्षा तो घर कौन करेगा, लेकिन भगवान के ही नामों से भगवान की रक्षा. इधर भी ऐसे करा और फिर दीप जलाए और भगवान को सुंदर शरीर को देखा कि लगे तो नहीं छोड़ करें, और दीप दान करते हैं भगवान को, दीप दिखाते हैं इसमें ताकि भगवान का लव एंड केयर एंड वात्सल्य हम झलका सके, वी केयर फॉर यू. और भगवान को ऐसी प्रार्थना, ऐसा भाव, ऐसी सेवा बहुत पसंद है जब उनको इस प्रकार का हम भाव दिखाते हैं कि यस वी केयर फॉर यू. तो भगवान कहते हैं फिर मैं क्या दे दूं इस भक्त को. तो इस तरह से भगवान बिक जाते हैं अपने भक्तों के. और इस महीने में कार्तिक मास में विशेषकर बहुत सी सुंदर सुंदर लीलाएं हुई. गोवर्धन पर्वत भी भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए, जब इंद्र को अहंकार आ गया था कि हम हैं है ना, हम किसी से कम नहीं, और पूरे ब्रज को गिराना चाह, डुबाना चाह, तो भगवान ने इतना बड़ा गोवर्धन अपने 7 साल की उम्र में 7 दिन और 7 रातों के लिए बाएं हाथ पर उठा लिया ब्रजवासियों की रक्षा के लिए. क्योंकि भगवान अगर कुछ करना चाहे किसी के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, हमारे तो फिर भी लिमिटेशंस हैं, बट गॉड हैज नो लिमिट, कृपा की कोई लिमिटेशन नहीं. तो भगवान ने पर्वत उठा लिया और 7 दिन और 7 रातों के लिए ब्रजवासियों के लिए तो पार्टी हो गई है ना. क्या पार्टी की, भगवान का दर्शन हो रहा है रोज है ना, उनका साफ साफ दर्शन हो रहा है, नाच रहे, कीर्तन कर रहे, गुणगान हो रहे. तो भगवान ने कहा इंद्र तुमने बड़ा अच्छा काम किया है, तुम्हारे चक्कर में राधा रानी भी डरी है तो बड़ा अच्छा लगा. लेकिन फिर भी उस माफी मांगने आया, फिर माफ भी कर दिया, ठीक है. तो कहने का मतलब है कि ये लीला भी इसी महीने में की भगवान, तो बहुत सी लीलाएंगे भगवान की इस मास में. तो इस महीने में सब लोग विशेषकर भगवान को दीदान करते हैं, और दीदान की महिमा शास्त्रों में पद्म पुराण में अन्य ग्रंथों में इतनी लिखी है, उसमें तो ये कहते हैं कि इस महीने में कोई व्यक्ति भगवान को दीदान करते और वो जो दीपदान है उसके जो बेनिफिट्स हैं, अगर मैं आपको 2-4 बेनिफिट्स मैं शास्त्रों से बता दूं तो बुरा तो नहीं लगेगा. तो पद्म पुराण के अनुसार बताया गया है, रोज जो है अगर कोई व्यक्ति भगवान को और तुलसी महारानी को घी का लैंप अगर ऑफर करता है, साथ में दामोदर अष्टकम प्रार्थनाएं गाता है, जो भी गाएंगे आप सब हमारे पीछे दोहराएंगे मुद्दा, और उसको ग्रोज करना चाहिए, गंगा में स्नान, यमुना में स्नान वो तो नहीं कर सकते, स्मरण करके कर सकते हैं, और दान देना चाहिए. और इसके बारे में बता रहे हैं इस मास के बारे में, when one offer a lamp during the month of Kartik, his sins in many thousand and millions of birth perish in half an eye blink. मतलब कि अगर कोई व्यक्ति इस महीने में भगवान कृष्ण को दान करता है, दिखाता है, तो उसके जो पाप हैं 1,000 नहीं 1,00,000 जन्मों के, वो सारे खत्म हो जाते हैं. और उसमें कितना टाइम लगता है, उसमें भी लिखा हाफ, आधी आंख झपकने में जितना समय लगता है उतने में सारे खत्म हो जाते हैं. अब शास्त्रीय बात है ना, फिर कह रहे हैं जो व्यक्ति इस महीने में भगवान को दीपदान करता है वो व्यक्ति
दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेगा, विल नॉट टेक बर्थ अगेन इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। फिर कह रहे हैं जो व्यक्ति कार्तिक महीने में दीपदान करता है, अ पायस रिजल्ट 10 मिलियन टाइम्स ग्रेटर देन द रिजल्ट ऑब्टेन बाय बेदिंग इन कुरुक्षेत्र। सूर्य जो इक्लिप्स होता है, क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण के समय पर जो हम करते हैं स्नान, तो उससे कहीं कहीं ज्यादा हमको बेनिफिट मिलता है। फिर कह रहे हैं अगर किसी व्यक्ति ने इस महीने में दीपदान कर दिया, उसको बताया जाता है सारे तीर्थों में यज्ञ करने का और भ्रमण करने का बेनिफिट मिल जाता है खाली दीपदान करने से। फिर कह रहे हैं जिस व्यक्ति ने भी इस महीने में दान किया, सॉरी दीपदान दीप दिखाया, तो कह रहे हैं डेफिनेटली ही विल गॉट लिबरेशन। और इसके अलावा अगर मेरू पर्वत के बराबर भी अगर हमारे सारे पाप इकट्ठा किया जाए, तो कहते हैं इस महीने में दीपदान करने से वो भी स्वाहा हो जाएंगे। फिर कहा निश्चित रूप से वो व्यक्ति सारी सफरिंग्स खत्म हो जाएंगी और भगवान के धाम को प्राप्त कर लेंगे। ये सारे लिखे बट मैंने मोटी मोटी चीज आपको बता। तो कहने का क्या मतलब है, इस महीने में भगवान दीपदान जरूर करना चाहिए। बताया जाता है एक बार एक मंदिर में दीप चल रहा था कार्तिक के महीने में, पद्म पुराण की कथा है, और तुरंत एक चूहा आ गया घी की खुशबू सूंघता हुआ, दीप बुझ रहा था, ऑलमोस्ट बुझ गया। तो उसने क्या किया, जल्दी से जाकर घी खाने के लिए कुछ लगा मीठा है, बर्फी ना हो गई, जैसे दांत मारा उसके दांतों में फंस गया वो जोत, और जब वो जोत उसके मुंह में फंस गए तो चलने भी लगी और उसकी तो हालत खराब, वो उछलने लगा प्राण बचाने के लिए। तो दीप जल रहा है, उसका मुंह जल रहा है और वो उछल रहा है। भगवान ने क्या देखा कि ये जीव जो है मुझे दीप दान कर रहा है और नाच भी रहे। भगवान ने कहा ठीक है भाई, तू इस संसार में रहने लायक नहीं है। उसने शरीर छोड़ा, चार भुजाएं की और भगवान के वैकुंठ को प्राप्त कर लिया, क्योंकि भगवान को लगा कि मुझे दीप दान कर, भगवान को पता है कर रहा है कि नहीं कर। लेकिन भगवान ने उस अपॉर्चुनिटी को लिया कि यार मैं तो इस महीने में तो बुरंजा ऑफर खोला, मैंने इतना भी कर दिया तो क्या, इसी तरह भी जाने अनजाने। हाँ, और फिर एक बार इसको ऐसा फायदा हो गया। और फिर एक बार बताते एक होते अज्ञात सुकृति, उसकी भी कथा है। उसमें क्या कथा है कि एक व्यक्ति था, साधु था, कार्तिक महीने में दान मांगने जाता था, हजूर भाई का झगड़ा चल रहा था, उसने बोला भाई माँ जी दे दो कुछ दे दो, कहते चुप हो जाओ नहीं चला जाओ, फिर माँ जी दे दो दे, पोंछा उठाया पोंछे में, उसे पोंछा आ गया, उसने पोंछा आ गया, धोया उसको गंगा में, उसकी दीप की जोत बनाई जलाई और भगवान को ऑफर कर कार्तिक मास में। वो ब्राह्मण तो गया ही गया भगवान के धाम, लेकिन रुई किसने दी थी वो जो लेडी थी उसने अनजाने में कर्ज किया था, काइंड ऑफ किया, जाता क्यों नहीं ये पकड़। तो क्योंकि वो जोत उसके द्वारा दिए गए कपड़े से बनी थी, तो उस लेडी को अज्ञात स्वीकृति मिल गई और वो भगवान के भक्तों के टच में आ गई, बात हो गई। इसका मतलब क्या है, जब हम दूसरे को इस महीने में एंगेज करते हैं भगवान की सेवा किसी भी तरह, तो उसको भी पूरा बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए कार्तिक मास हमें चाहिए कि हम रोज भगवान के सम्मुख, राधा कृष्ण के सम्मुख या यशोदा दामोदर के सामने दीप जलाए और भगवान को दिखाए, इस तरह से हुआ तो इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है इस महीने की बारे में। तो इस तरह से करना चाहिए। और एक प्रेयर है जो दामोदर अष्टकम है, जिसमें भगवान के भक्त ने भगवान की इस लीला को यशोदा मैया के ने पकड़ लिया, कृष्ण डर रहे हैं, रेखांक गले में तीन रेखाएं पड़ रही हैं, कुंडल उनके गालों से टच हो रहे हैं, भगवान के सुंदर रूप को वो देख रहे हैं, और एक सुंदर सा अष्टकम दामोदर अष्टकम उन्होंने गाया। तो हम आपको एक पेपर दे रहे हैं, उसमें भगवान के यानी आठ श्लोकों में जो है दामोदर अष्टकम गाया गया है, तो हम लोग उसको गाएंगे, आपको हमारे पीछे गाना होगा। ब्रज मान
Thank you.
Thank you.
Thank you.